हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, हाउ आर यू। देन आवर चैप्टर सॉल्यूशन इज गोइंग ऑन। इन दिस चैप्टर, इन प्रीवियस वीडियो आई स्टडी यू अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉलिड्स, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स के फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में आपको प्रीवियस वीडियो में स्टडी कराया था और उसमें आपको टू फैक्टर्स बताए थे। दो जो फैक्टर आपको बताए थे वो कौन कौन से हैं? नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉलिड्स की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसमें आपको ध्यान होगा कि पोलर सॉल्यूट जो होगा वो पोलर सॉल्वेंट में इजी वे में डिजॉल्व हो जाएगा, और नॉन पोलर सॉल्यूट होगा वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद टेम्परेचर का इफेक्ट आपको बताया था, और टेम्परेचर से आपको बताया था, और वहाँ पर आपको लॉस आता है ये प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया था। तो आज हम इस वीडियो में सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स ये पढ़ने जा रहे हैं, और लिक्विड्स के अंदर जो गैसों की सॉल्युबिलिटी होती है उसको अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देन वी कैन से दैट द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स, इस टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जानना पड़ेगा कि गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी होती है लिक्विड्स के अंदर वो किस पर डिपेंड करती है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिपेंड ऑन एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ गैसेस। गैसेस के एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट पर डिपेंड करती है गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी। अब ये एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या होता है? एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का मतलब होता है कि गैसेस की जो अमाउंट ml में, गैसेस की जो अमाउंट ml में ली है आपने, वो 1 ml वाटर में डिजॉल्व है। तो 1 ml वाटर के अंदर, यानी कि सॉल्वेंट के अंदर, वाटर को मैं ऐसे सॉल्वेंट ले रहा हूँ यहाँ पर, 1 ml वाटर के अंदर कितने ml वॉल्यूम गैस का डिजॉल्व हुआ है वो उसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कहलाता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को एक बार डिफाइन कर देता हूँ आपके लिए, और आप उसको नोट कर लें। तो यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या होता है? तो इसकी डेफिनेशन नोट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉल्यूम ऑफ गैस गैस का वॉल्यूम यहां पर मैं किस में ले रहा हूं? इन ml, विच द वॉल्यूम ऑफ गैस विच डिजॉल्व इन 1 ml वाटर, विच डिजॉल्वड इन 1 ml वाटर, जैसा कि मैं आपको अभी बोल रहा था, इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, यानी कि 1 ml वाटर में कितने ml गैस की अमाउंट डिजॉल्व है वही उसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे कि अगर 1 ml वाटर में 0.2 ml गैस डिजॉल्व है,
अगर 1 ml वाटर में 0.2 ml गैस डिजोल्व है तो इस गैस का एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कितना हो गया 0.2। अगर 1 ml वाटर में 1 ml गैस डिजोल्व है तो इस गैस का कोफिशिएंट कितना आ गया 1। समझ में आ रही बात। 1 ml जो सॉल्वेंट है आपके पास, सॉल्वेंट ऐसे हमने यहाँ पर ले लिया है वाटर, क्योंकि जनरल सॉल्वेंट है, तो 1 ml सॉल्वेंट में यानी कि वाटर में कितने ml गैस का वॉल्यूम डिजॉल्व है वही उसका क्या कहलाएगा एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। और इस एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट पर डिपेंड करती है गैसेस की सॉल्युबिलिटी इन सॉल्वेंट। गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है वो किस पर डिपेंड करती है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट पर। अब देखो फैक्टर अफेक्टिंग देखते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। लिक्विड के अंदर जो गैस की सॉल्युबिलिटी है उसको इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं इसमें देखते हैं। जैसे आपने सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी थी उसके फैक्टर अफेक्टिंग में देखा था नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। फर्स्ट क्या देखा था, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। और दूसरा फैक्टर क्या था, टेम्परेचर। तो देखो यहाँ पर हम फर्स्ट हमारा वही फैक्टर है, कौन सा, द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर पर डिपेंड करता है इसकी सॉल्युबिलिटी गैस की। अब देखो यहाँ पर क्या है, आप जिस गैस को डिजॉल्व करना चाहते हैं सॉल्वेंट में यानी कि लिक्विड के अंदर, आपके पास जो सॉल्वेंट है वो क्या है लिक्विड, और यहाँ पर मैं लिक्विड ले लूँ बेटा वाटर, ठीक है ना। तो जो गैस विलेय के साथ यानी कि सॉल्वेंट के साथ, जो गैस सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन कर जाएगी वो तो इजी वे में इसमें डिजॉल्व हो जाएगी। विच गैस दैट रिएक्ट विद सॉल्वेंट इज डिजॉल्व इजी वे। अब आप जैसे यहां पर मैं एग्जांपल दूं, जैसे आप अमोनिया गैस ले लें और अमोनिया गैस को हमको डिजॉल्व करना है किसके अंदर, वाटर के अंदर। यदि ये अमोनिया गैस वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो ये वाटर में डिजॉल्व हो जाएगी। जैसे अमोनिया की वाटर के साथ रिएक्ट करा दूं, क्या फॉर्म कर देता है NH4OH, क्या फॉर्म हो जाता है NH4OH फॉर्म हो जाता है। तो ये अमोनिया इजी वे में वाटर में डिजॉल्व हो जाएगी। तो अमोनिया की सॉल्युबिलिटी वाटर में ठीक है। अब इसी तरह से अगर एक गैस और बात करें हम, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस की बात करें तो इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस की जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड के अंदर वो कैसी होती है। अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट कर गई आपके सॉल्वेंट के साथ तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस को रिएक्ट करा दो किसके साथ, वाटर के साथ, तो ये क्या फॉर्म कर देगी H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड। क्या बोलेंगे इसको, सल्फ्यूरस एसिड, क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरस एसिड फॉर्म कर देगी। तो ये भी इजी वे में डिजॉल्व हो जाएगी वाटर के अंदर। इसी तरह से अगर हम एक गैस की और बात करें, अगर HCl को रिएक्ट करा दूं मैं किसके साथ, वाटर के साथ, तो ये HCl गैस का जो डिजॉल्वेशन है वो वाटर के अंदर कैसा होता है। ये HCl गैस वाटर के साथ रिएक्ट करती है और रिएक्ट करने के बाद क्या रिलीज करेगी, क्लोराइड एंड फॉर्म H3O+। क्या फॉर्म करेगी, H3O+। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं बेटा हम हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोनियम आयन। तो ये HCl गैस भी इजी वे में डिजॉल्व हो जाती है।
ठीक है ना। तो इस तरह से हम कुछ गैसेस लेते हैं और उन गैसेस को रिएक्ट कराते हैं सॉल्वेंट के साथ। अगर गैस आपके सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर जाती है तो वो गैस उसके अंदर डिजॉल्व हो जाएगी, और अगर रिएक्शन नहीं करती है तो गैस डिजॉल्व नहीं होगी। क्लियर? तो देखो, लिखते हैं हम, नोट करते हैं, नोट करते हैं और चेक करते हैं हम कि कौन कौन सी गैसें हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करके उसके अंदर डिजॉल्व पीजीबी में हो सकती हैं। तो देखो भाई साहब, द गैसेस विच रिएक्ट विद सॉल्वेंट, आपको ये वही लिखना होगा जो अभी आपको एक्सप्लेन कर रहे थे, द गैसेस विच रिएक्ट्स विद सॉल्वेंट। जो गैसें किसके साथ रिएक्ट कर जाएंगी? सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर जाएंगी। आर सॉल्युबल इन वाटर, आर सॉल्युबल इन वाटर। अब मैंने आपको अभी कौन कौन सी गैसें बताई थी, बताओ, जो वाटर के अंदर सॉल्युबल है, अभी बताई थी ना, अमोनिया गैस रिएक्ट कर रही थी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट कर रही थी, HCl गैस भी रिएक्ट कर रही थी, और गैसेस भी हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, लेकिन उनकी रिएक्टिविटी जो होती है वो इनसे कुछ कम होती है, ठीक है ना। रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी आपको दो चार गैसों का दे देंगे हम। और एक बात तो ये हो गई, जो गैसेस रिएक्ट कर रही हैं किसके साथ? सॉल्वेंट के साथ, वो तो इसके अंदर सॉल्युबल हो गई, लेकिन जो गैस इनके साथ रिएक्ट नहीं करती हैं वो सॉल्युबल नहीं होती हैं। अब ये जो गैसेस हैं, इन्होंने रिएक्शन करके वाटर के साथ क्या फॉर्म किया था, बताओ। गैसेस आर मोर सॉल्युबल, मोर सॉल्युबल इन वाटर, एंड ये ज्यादा सॉल्युबल है, एंड फॉर्म क्या बनाया था इसने, बताओ, NH4OH, इसने क्या बनाया था, H2SO3, इसने क्या बनाया था बताओ, हाइड्रोनियम आयन बनाया था कि नहीं बनाया था, बनाए थे ना। कंपाउंड्स, ठीक है ना। अब ये गैसेस मोर सॉल्युबल होती हैं और वाटर के साथ ये सॉल्युबल होकर इन कंपाउंड्स को फॉर्म करती हैं। अब आप वेरियस गैसेस के अगर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को देखें, इन गैसेस का एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ज़्यादा है इसलिए ये ज़्यादा सॉल्युबल हैं, और जिन गैसों का एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कम है वो लेस सॉल्युबल हैं। तो कुछ गैसों का हम ऑर्डर देखते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ वेरियस गैसेस। देखो एक ऑर्डर लिख देता हूँ मैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ वेरियस गैसेस इन 1 ml वाटर। 1 ml वाटर में घोलने पर ही तो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट निकालोगे ना आप इन 1 ml वाटर। तो देखो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बताते हैं आपको, देखो भाई साहब कौन कौन सी गैसें हैं, NH3 इज ग्रेटर देन, सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन है, NH3 ग्रेटर देन, HCl इज ग्रेटर देन, SO2 इज ग्रेटर देन, H2S इज ग्रेटर देन, CO2 इज ग्रेटर देन, C2H2 इज ग्रेटर देन, O2 इज ग्रेटर देन N2। तो देखो ये ऑर्डर मैंने आपको कुछ गैसेस का लगाया, अमोनिया गैस, हाइड्रोक्लोराइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस,
हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इथाइलीन गैस या एसिटिलीन गैस, ऑक्सीजन गैस एंड नाइट्रोजन गैस। यहाँ पर सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट किसका है? अमोनिया का, इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पर सबसे कम एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट किसका है? नाइट्रोजन गैस का, इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम है। तो आपको एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही ठीक से ध्यान रखना है, आपको इनमें से कोई भी 3 या 4 गैसेस दे दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग गैसेस अकॉर्डिंग टू देयर सॉल्युबिलिटी, अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी ऑफ बाई एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के अनुसार इनकी जो सॉल्युबिलिटी लिक्विड्स के अंदर होती है, तो उन गैसेस का आपको ऑर्डर नोट करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इस तरह का ऑर्डर आपको नोट करना है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी है? अमोनिया गैस की। सबसे कम सॉल्युबिलिटी किसकी है? नाइट्रोजन गैस की। अब आपने जो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस देखी है ना, ऑक्सीजन गैस, इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। और ऑक्सीजन गैस से ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। लेकिन ऑक्सीजन गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो ज़्यादा किस में है? ब्लड में। किस में है? ब्लड में। ऑक्सीजन इज रीडली सॉल्युबल इन ब्लड, तेजी से घुलती है ब्लड में ऑक्सीजन गैस। और ये आपको थोड़ा सा ध्यान दिला दूं मैं, ऑक्सीजन गैस को तो कौन लेकर जाता है आपके बॉडी के अंदर ब्लड में? हीमोग्लोबिन, जो आरबीसी के पास है। और आपकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कौन लेके आता है? ब्लड लेके आता है, ऐसा बोलते हैं ना। ब्लड में जो प्लाज्मा होता है वो लेकर आता है। और प्लाज्मा में भी कौन? आपको ध्यान होगा, प्लाज्मा में 92% वाटर प्रेजेंट होता है। और उसके अंदर जो 92% वाटर है, उस वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सॉल्युबिलिटी होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लाज्मा के वाटर के अंदर सॉल्युबल होती है, और उस प्लाज्मा के वाटर के साथ मिलकर ये ब्लड के थ्रू पहुंचते हैं आपके लंग्स में, तब एक्सक्रीट होती है। क्लियर? ठीक है ना। तो पहला फैक्टर आपने देखा कि आप अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर लेते हो, कैसी नेचर ली है। यहाँ पर नेचर की अगर बात करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपने पोलर सॉल्वेंट लिया है और आपके पास गैस पोलर हैं, तो पोलर सॉल्वेंट पोलर गैस को इजी वे में डिजॉल्व कर लेगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर गैस को इजी वे में डिजॉल्व कर लेगा। लेकिन पोलर गैस नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होगी, और नॉन पोलर गैस पोलर सॉल्वेंट में नहीं होगी। समझ में आ रही बात? सेम नेचर ऑफ गैस डिजॉल्व्ड इन सेम नेचर ऑफ सॉल्वेंट। पोलर गैस है तो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएगी, नॉन पोलर गैस है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएगी। क्लियर? तो सेम नेचर का जो सब्सटेंस होता है वो सेम नेचर के सॉल्वेंट के अंदर ही डिजॉल्व होता है, ठीक है ना। तो ये आपने यहाँ पर नेचर देखी है। जैसे अगर यहाँ पर इसमें से HCl गैस को पुट अप कर लें हम, तो ये HCl गैस जो है इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर ज़्यादा होगी कि बेंजीन के अंदर ज़्यादा होगी, बताओ भाई। अगर मैं HCl गैस की बात करूँ तो इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में मोर है कि बेंजीन में मोर है, बताओ। देखो, वाटर तो क्या होता है? पोलर सॉल्वेंट। और बेंजीन क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। और ये गैस क्या है बेटा? पोलर गैस। तो पोलर गैस किसके अंदर ज़्यादा अच्छी डिजॉल्व होगी? पोलर सॉल्वेंट के अंदर। तो HCl गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो वाटर के साथ मोर होगी और बेंजीन के साथ लेस होगी। देन वी कैन से दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl गैस इन वाटर इज मोर देन बेंजीन, बिकॉज वाटर इज पोलर सॉल्वेंट एंड बेंजीन इज नॉन पोलर सॉल्वेंट। एंड एल्सो हियर अवर वी टेक दिस द गैस HCl इज एल्सो पोलर गैस, ठीक है ना। तो ये सॉल्युबिलिटी हो गई नेचर के हिसाब से।
आपको ये ऑर्डर थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और मेनली आपको ध्यान का रखना है कि जो गैस रिएक्ट कर जाएगी आपके सॉल्वेंट के साथ या वाटर के साथ, वो गैस उसमें इजी वे में डिजॉल्व हो जाएगी, और जो गैस वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगी वो गैस इजी वे में उस सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व नहीं होगी। तो सॉल्युबिलिटी जो गैसेस की लिक्विड में है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर पर डिपेंड करती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा, यहाँ पर सेकंड इफेक्ट है बेटा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी का लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी जो होती है उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। देखो इसको हम समझते हैं, जैसे आपने ये कोई कंटेनर लिया, ठीक है ना, इस कंटेनर के अंदर आपने लिक्विड भर दिया, इस कंटेनर पर मैं आपने यहाँ पर गैस भर दी, ये गैस मॉलिक्यूल्स हो गए, और इसके ऊपर लगा दिया हमने पिस्टन। ये जो पिस्टन लगा रखा है इससे हम प्रेशर नहीं दे रहे हैं, हम इस गैस को यहाँ पर कंटेनर में रोक रहे हैं। ये क्या हो गया आपका सॉल्वेंट हो गया, ये हो गई आपकी गैस सॉल्यूट हो गई, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, अब आप अगर इसको हीट करते हो बेटा नीचे से, इसको अगर हम हीट करते हैं, तो जब हम इसको हीट करेंगे तो आपने इस गैस, देखो सामान्य सी बात है, कंटेनर में आपने वाटर ले लिया है सॉल्वेंट, और ऊपर उसके अंदर क्या भर दिया गैस, और गैस भरने के बाद ऊपर से क्या लगा दिया हमने पिस्टन लगा दिया है। अब पिस्टन लगा दिया है तो इस पिस्टन के कारण जो गैसेस के मॉलिक्यूल हैं वो कहाँ आएंगे, सॉल्वेंट में आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, और सॉल्वेंट में आएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल इस सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट बनाएंगे, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। भाई गैस मॉलिक्यूल किसके साथ रिएक्ट करेंगे, सॉल्वेंट के साथ, सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना। अभी मैंने आपको बताया तो था, अगर आप अमोनिया को वाटर के अंदर डिजॉल्व कर रहे हो तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है आपको, यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये प्रोडक्ट बन गया। अब ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो इट मीन्स जो गैस है वो सॉल्युबल हो रही है किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। आ रही बात समझ में। अब ये प्रोसेस चलती रहती है, अब इसके अंदर ये जो प्रोसेस चलती है इसमें ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रहेगी। कैसी रहेगी, रिवर्सिबल, यानी कि जितनी अमाउंट में आपकी ये जो गैस है वाटर के अंदर घुलने के बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगी उतना ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व होगा और इन दोनों को फॉर्म करता रहेगा। ये प्रोसेस इसके अंदर चलती रहेगी और ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुँच जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इस कंटेनर का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं। आपने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया। टेम्परेचर को जब हमने बढ़ाया तो वो टेम्परेचर को कौन, टेम्परेचर को गैस मॉलिक्यूल टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेंगे। गैस मॉलिक्यूल टेम्परेचर को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, और टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने के बाद इन गैस मॉलिक्यूल्स में क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। गैस मॉलिक्यूल्स के पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और जब काइनेटिक एनर्जी इन गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर आ जाएगी तो गैस के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी अगर मिल गई तो इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल डिजॉल्व हैं वो निकल निकल कर कहाँ भगेंगे, ऊपर भगेंगे कि नहीं भगेंगे। अगर आपने उसको गर्म किया है सॉल्यूशन को, ये सॉल्यूशन बन चुका था ना आपका,
भाई सॉल्वेंट सॉल्यूट ले लिया और सॉल्वेंट ले लिया, आपने प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया यानी कि सॉल्यूशन फॉर्म हो गया। अब आप इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, जैसे ही आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो इस सॉल्यूशन के अंदर जो गैस मॉलिक्यूल हैं वो उस टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और उस एनर्जी को लेकर उड़ते हैं, ऊपर उठते हैं। अब वो जब ऊपर उठेंगे तो सॉल्यूशन के अंदर से तो गैस मॉलिक्यूल भाग रहे हैं, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ी के घटी, इंक्रीज हुई के डिक्रीज हुई? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई। टेम्परेचर को अगर आपने इंक्रीज किया है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई। अगर टेम्परेचर हीट को या अगर टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते हो तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। समझ में आ गई बात? बात समझ में आ रही कि ना आ रही? भाई हीट जैसे ही करेंगे तो गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और जैसे ही विनकेटिंग एनर्जी आ जाएगी तो वो तो जंप मारवे लग पड़ेंगे, कूदेंगे और जंप मारने के साथ साथ वो सॉल्यूशन से बाहर भागने लग जाएंगे, इसलिए यहाँ पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा एक्सेप्शन आपको बताते हैं कि अगर आपने हाइड्रोजन या हीलियम गैस ली है, अगर आपने कौन सी गैस ली है, हाइड्रोजन या हीलियम गैस, हाइड्रोजन और हीलियम गैस को जैसे आपने वाटर के अंदर डिजॉल्व किया है या कोई भी सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व किया है, इन गैसेस को जब आप सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व करते हो तो इसमें रिएक्शन होगी और रिएक्शन होकर क्या फॉर्म होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा। और यहाँ पर जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन में एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है। जैसे आपने हाइड्रोजन या हीलियम गैस को सॉल्वेंट के अंदर डाला तो तुरंत ये क्या करती है, एनर्जी को जो उस सॉल्वेंट के पास जो एनर्जी है उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो एज ए मैं यहाँ कैसे कह सकता हूँ कि इसमें कौन सी रिएक्शन हुई, एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई। अगर इसके अंदर एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई है तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है तो जैसे तुमने ये गैस सॉल्वेंट के अंदर डाली तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो गई। अब इस जगह पर अगर आपने इस जगह पर कोई कंटेनर में सॉल्वेंट लिया है और इस सॉल्वेंट के अंदर आपने यहाँ पर हाइड्रोजन गैस या हीलियम गैस ली है, ये पिस्टन लगा दिया मैंने, ठीक है ना, और इस जगह पर अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, इस जगह पर अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो यहां पर इन दोनों गैसों की जो सॉल्युबिलिटी है वो बेटा इंक्रीज होगी। ये आपको बड़े ध्यान से देखना है। मैं दो गैसों के नाम बता रहा हूं, कौन कौन सी, हीलियम और हाइड्रोजन। हीलियम और हाइड्रोजन दो ऐसी गैस है जैसे इन्हें सॉल्वेंट में तुम घोलेंगे तो तुरंत ये एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करती हैं, इट मींस इसके अंदर एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो सॉल्वेंट में डिक्रीज हो जाती है। इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दिस सॉल्यूशन देन द सॉल्युबिलिटी इज इंक्रीजेस। अगर आप इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो यहां पर इन गैसेस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। रेस्ट ऑफ गैसेस, इसके अलावा जो गैसेस हैं उनकी कंडीशन क्या है, उनकी कंडीशन ये है जो आपको मैंने पहले बताई थी। जैसे ही आप इनको हीट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी को लेकर ये तो क्या करेंगे, जंप करने लग जाएंगे और सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज कर देंगे। क्लियर? तो इसको नोट करते हैं बेटा हम। देखो, अकॉर्डिंग टू ला शातेलिए प्रिंसिपल, ला शातेलिए प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर को क्या रखना है आपको, कांस्टेंट,
द सॉल्युबिलिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सही लिख रहा हूँ ना? प्रेशर को कैसा रख दिया था? कांस्टेंट प्रेशर तक अच्छी ना गई हमने, बस पिस्टन लगाया था, जाते गैस के मोलूल मॉलिक्यूल कंटेनर थे बाहर नहीं निकले, प्रेशर थोड़ी बढ़ाया हमने, कांस्टेंट रही हो। अब अगर आपने वहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज किया था तो सॉल्युबिलिटी क्या हुई थी? डिक्रीज। सही लिख रहा है ना? अब इसके बाद देखो क्यों हुई थी वो, बिकॉज टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बिकॉज टू इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है ना? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ गैस पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स कम आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ गैस पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स कम आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन, ठीक है ना? ये सॉल्यूशन से बाहर आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए हीलियम और हाइड्रोजन के बारे में कुछ बताया था, हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय डिजॉल्विंग, हीट इज एब्जॉर्ब ऑन डिजॉल्विंग हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस। हाइड्रोजन और हीलियम गैस को जब आप डिजॉल्व करते हो तो ये दोनों के दोनों क्या करती हैं? हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है ना? हेंस द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस गैस, अब ये हीट को एब्जॉर्ब करेंगी तो हेंस द सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज गैसेस increases on increasing in temperature, इनके temperature को बढ़ाने पर इनकी जो solubility है वो increase हो जाएगी, ठीक है ना? यही आपको अभी हमने explain किया था और ये आपको यहाँ पर मैंने note कर दिया है, समझ में आ रही है बात? तो फटाफट से आप इसको नोट कीजिए और उसके बाद नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं हम, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, क्योंकि गैसों की सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का बहुत प्रभाव पड़ता है, समझ में आ गई बात? प्रेशर का विशेष इफेक्ट पड़ता है गैसों की सॉल्युबिलिटी पर। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है ना? अब देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखते हैं, गैसों की सॉल्युबिलिटी में प्रेशर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। बिना प्रेशर के अगर आप प्रेशर बढ़ा देते हो तो गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। अब देखो इसको हम देखते हैं कि गैसों की जो सॉल्युबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है किससे? प्रेशर से। और इस प्रेशर से इसकी जो सॉल्युबिलिटी अफेक्टेड होती है इसको एक्सप्लेन किया था एक
हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने, और उसने एक अपना लॉ दिया था जिसको बोलते हैं हम हेनरी लॉ। ये जो हेनरी लॉ होता है, ये जो गैस आपने ली है, जो गैस आपने ली है, जिस गैस को आपको सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व करना है, उस गैस के कितने मॉलिक्यूल आपने लिए हैं और कितना प्रेशर उसको दिया है, इन दोनों के बिटवीन जो रिलेशन बनता है, उस रिलेशन को एक्सप्लेन किया था हेनरी साइंटिस्ट ने। और हेनरी ने किस तरह से एक्सप्लेन किया था कि मास ऑफ ए गिवन गैस, मास द मास ऑफ ए गिवन गैस, द मास ऑफ ए गैस डिजॉल्व, मास ऑफ ए गैस डिजॉल्व इन गिवन वॉल्यूम, डिजॉल्व इन गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, और टेम्परेचर को कैसे रखना है यहां पर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एट द मास ऑफ ए गैस इज डिजॉल्व्ड इन गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। कौन सा प्रेशर? जो उस गैस को दिया जा रहा है। देखो, ये कोई मैं एक कंटेनर ले रहा हूं, इस कंटेनर के अंदर मैंने यहां पर सॉल्वेंट को फिल कर दिया, ये सॉल्वेंट फिल है यहां पर, इस सॉल्वेंट में मेरे को ये गैस डिजॉल्व करनी है, इसके ऊपर मैं एक पिस्टन लगा रहा हूं, ये पिस्टन क्या अप्लाई करेगा यहां पर, प्रेशर अप्लाई करेगा, ठीक है ना। अब अगर यहां इफेक्ट ऑफ प्रेशर हम स्टडी कर रहे हैं, तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को तुरंत क्या कर दो, कांस्टेंट कर दो। टेम्परेचर के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है, केवल आपको किसको चेंज करना है, प्रेशर को चेंज करना है। अब ये हेनरी क्या कहता है इसके बारे में, हेनरी कहता है कि मास ऑफ ए गैस, गैस का जितना मास, मास ठीक है ना, ये गैस का मास हो गया, कितना गैस का मास डिजॉल्व होता है इन गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, दिए गए लिक्विड की जो अमाउंट है, यानी कि दिए गए लिक्विड की अमाउंट को मैं 1 ml मान लूं, इस 1 ml लिक्विड में कितने मास या मॉलिक्यूल्स गैस के डिजॉल्व होते हैं, कितने मॉलिक्यूल डिजॉल्व होते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर, वो जो मास डिजॉल्व हुए हैं उस सॉल्वेंट में, वो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड प्रेशर के। क्लियर? ये जो प्रेशर यहां पर अप्लाई किया जा रहा है, इस प्रेशर को जब आप अप्लाई करते हो, तो सामान्य सी बात देख लो आप, जैसे आप इस पर प्रेशर बढ़ाते जाओगे, तो ये गैस के मॉलिक्यूल इसके अंदर डिजॉल्व होते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रेशर को अप्लाई करने पर कितने मॉलिक्यूल्स इस सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, इस चीज को हम एक यूनिट लेके चलते हैं, यानी कि 1 ml गिवन लिक्विड जो वॉल्यूम है आपके पास, जो गिवन लिक्विड वॉल्यूम है उसको क्या मान लिया मैंने, 1 ml, इस 1 ml सॉल्वेंट के अंदर कितने मास,
कितने मास ऑफ गैस डिजॉल्व हुए हैं, वो जो मास है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर के। यानी कि जितना प्रेशर आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो उतने ही मॉलिक्यूल्स गैस के इस सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते चले जाएंगे। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो गैस मॉलिक्यूल्स जो डिजॉल्व हो रहे हैं सॉल्वेंट में वो उस पर अप्लाई किए गए प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और ये बात बताई थी किसने बेटा, हेनरी ने। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, हेनरी लॉ बोलते हैं। अब आप यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज और कर सकते हो कि यहाँ पर जो हमने गैस के मास लिए हैं, यहाँ पर हमने गैस के क्या लिए, मास लिए हैं, यानी कि गैस का द्रव्यमान लिया है कि कितने ग्राम गैस को 1 ml जो वॉल्यूम है सॉल्वेंट का वो कितने प्रेशर पर घोल सकता है। तो अगर 1 ग्राम गैस को 1 पास्कल प्रेशर पर ये सॉल्वेंट डिजॉल्व कर लेता है तो आप m प्रोपोर्शनल टू p, यानी कि 1 ग्राम प्रोपोर्शनल टू 1 पास्कल। समझ रहे हैं बात को मैं क्या कह रहा हूँ। तो जितने ग्राम गैस को ये घोलेगा उतना ही उसका प्रेशर होगा। ये बात तो क्लियर है कि जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे उतने ही ग्राम गैस के इस सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होते चले जाएंगे। प्रेशर इंक्रीज होगा तो गैस मॉलिक्यूल्स की जो डिजॉल्व कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। आ रही इन बात समझ में, ये बात कौन कह रहा है, हेनरी कह रहा है। लेकिन हेनरी इस बात को एक अदर वे में भी एक्सप्लेन करता है। और वो अदर वे क्या है, आपने यहाँ पर मास ऑफ गैस लिए हैं, अगर यस मास ऑफ गैस की जगह पर मैं मोल्स ऑफ गैस ले लूँ, क्या ले लूँ, मोल्स ऑफ गैस ले लें, तो आपको यहाँ पर इन गैस के जो मोल्स लिए हैं इनका मोल फ्रिक्शन बताना पड़ेगा कि कितने मोल फ्रिक्शन को, कितने मोल पार्ट को इतने प्रेशर पर सॉल्वेंट ने डिजॉल्व कर लिया है। तो आप यहाँ पर फिर इस मोल फ्रिक्शन को कैसे शो करेंगे, मोल फ्रिक्शन को किससे डिनोट कर रहे थे बताओ, एक्स से। तो अब यहाँ पर आपका जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, मोल फ्रैक्शन के। तो हेनरी क्या कहता है, जो मास गैस के हैं जो मॉलिक्यूल्स गैस के हैं वो 1 ml वॉल्यूम लिक्विड के अंदर कितने प्रेशर पर वो जब डिजॉल्व होते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं अप्लाइड प्रेशर के। तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, जितना मॉलिक्यूल्स गैस के घुले वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। और ठीक उसी प्रकार से आपने जितने गैस के मोल फ्रैक्शन मोल लिए थे वो मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, ठीक इसी की तरह किसके, प्रेशर के। तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अब आप अगर इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हो तो यहाँ पर हम लिखते हैं एम इक्वल टू के एच पी, और ये के एच क्या है, इसको बोलते हैं आप हेनरी कॉन्स्टेंट। इसको के एच को क्या बोलेंगे, हेनरी कॉन्स्टेंट। और इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, इसके लिए आप क्या नोट कर सकते हो, जैसे अगर मैंने एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी लिखा होता तो एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन इक्वल टू क्या हो गया होता, के एच पी। तो यहाँ पर भी ये क्या होता, के एच हेनरी कॉन्स्टेंट होता। और अगर आपको गैस के मास दे रखा है और प्रेशर दे रखा है और हेनरी कॉन्स्टेंट की वैल्यू पूछी है तो आप हेनरी कॉन्स्टेंट को आराम से निकाल सकते हो, m इक्वल टू के एच पी है तो क्या हो जाएगा, m बाई पी, मास में प्रेशर का अगर डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पर आप हेनरी कॉन्स्टेंट इजी वे में डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हेनरी लॉ था और इस हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया है यहाँ पर इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेस, ठीक है ना। तो अब हम इस हेनरी लॉ को यहाँ पर नोट करते हैं, ये आप समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे किस तरह से हेनरी ने गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी होती है उस पर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए अपना जो लॉ दिया है वो किस तरह से अप्लाई होता है, क्लियर है ना। तो देखो हेनरी का जो लॉ होता है उसके बारे में आपको हमें कल नोट करेंगे,
यानी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको वो हेनरी लॉ नोट करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हेनरी लॉ आप एक्सप्लेन कर लिया आपने ठीक ठाक से, ठीक है ना। अब इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में नोट करूँगा। टिल देन ओके।